नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इसी सब्जेक्ट की यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और इस यूनिट का ये पहला लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट। तो सबसे पहले जो हम लोग और टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग पॉपुलरली GSM के नाम से जानते हैं, और इसके आर्किटेक्चर की स्टडी करेंगे। फिर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ CDMA सिस्टम क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी बेसिक चर्चा कर चुके हैं। आज उसके हम आर्किटेक्चर और उसके बहुत सारी फीचर्स को आज सीखेंगे। फिर वहीं पे कंपैरिजन ऑफ द CDMA एंड GSM सिस्टम एंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है। तो हम बेसिकली आज दोनों के लिए जो है वो कुछ स्पेसिफिक जो इसके फीचर्स हैं, चाहे वो GSM हो चाहे वो CDMA हो, बेसिक जो बातें हैं दोनों की, हम लोग लास्ट टर्न पे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर GSM टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज GSM। जैसा मैंने आपको बताया कि GSM बेसिकली आपकी एक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1982 में यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI फॉर्म्ड ग्रुप्ड स्पेशल मोबाइल, ठीक है, मतलब एक ग्रुप का जो है वो फॉर्म किया, जो GSM पे को डेवलप करने के लिए जो है बनाया गया, ठीक है, और मोबाइल टू डेवलप अ पब्लिक लैंड मोबाइल सिस्टम, ठीक है। बेसिकली कुछ फीचर्स को जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग जो है वो 2G 3G टेक्नोलॉजीज थी, तो उसी में कुछ और चीजें जो है वो मॉडिफाई करने के लिए जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई, ठीक है, जिसने GSM को सजेस्ट किया, ठीक है, जिसका बाद में नाम जो है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पड़ा जो है, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज द सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड डेवलप टू कैटर वॉइस सर्विसेज एंड डेटा डिलीवरी यूजिंग द डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने वॉइस ट्रांसमिशन तो हम कर पा रहे थे, लेकिन वॉइस ट्रांसमिशन के साथ जो हमें डेटा डिलीवरी का कॉन्सेप्ट यूज करना हुआ, तो वहीं पर आपकी आवश्यकता किसकी पड़ी, GSM सिस्टम की, ठीक है। तो इसी कारण से GSM जो है वो सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुआ। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि GSM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और GSM जो है ETSI ग्रुप द्वारा फ्रेम किया गया, ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है, दो तरीके की सर्विसेज हैं, वॉइस एंड डेटा डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखें GSM के हिस्ट्री के बारे में जाएं, तो डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक मोबाइल विच वॉज फॉर्म्ड एन इनिशिएटिव ऑफ द SEPT, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1982 में, जिसमें कुछ जो है वो GSM से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हुआ, और इसको फ्रेम करने के लिए वहीं पे जो है वो आपका नींव पड़ी, ठीक है। अंडर ETSI GSM इज नेम्ड एज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इन 1989, ठीक है। पहले जो इस सिस्टम को डेवलप किया गया 1982 से इसकी स्टार्टिंग है, फिर इसका 1989 में नेम जो है वो वही GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दिया गया इसका नाम, ठीक है। फुल सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फेज 1 बिकम्स अवेलेबल इन 1919 में इसका फर्स्ट फेज जो डेवलपमेंट का था वो कंप्लीट हुआ, एंड फेज सेकेंड ऑफ द GSM स्पेसिफिकेशन अकर्स इन 1995। कवरेज इज एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो 1995 में बेसिकली इसका एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं कि रूरल एरिया को भी कवर कर किया गया इसके अंदर, और बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी थी जहां कम यूजर्स हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सक्सेसफुली करने के लिए वॉइस और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम को डेवलप किया। अब GSM की हम जो है वो एग्जिस्टेंस की बात करें वर्ल्ड में, तो आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट मतलब अरब कंट्रीज और इस एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, ईस्ट सेंट्रल एशिया, यूरोप, ठीक है, रशिया, इंडिया, इसमें कितना कितना शेयर है, ठीक है। तो
सबसे ज्यादा शेयर आप इसमें देख पा रहे होंगे यूरोप का, करीब 43% जो है वहां पर जीएसएम सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। इंडिया भी अपना है, इंडिया में लगभग 3% के आसपास जो है वो जीएसएम सिस्टम वर्किंग में है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कई सारे देश हैं, जैसे एशिया पैसिफिक में 37% है। तो सबसे ज्यादा चूंकि यूरोपियन ओरिजिन में डेवलप हुआ, इसलिए वहां पर इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई। फिर इंडिया में अगर मैं बात करूं डिफरेंट कंपनीज के द्वारा जो ये सिस्टम जीएसएम को ऑप्ट किया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा शेयर आपका बीएसएनएल का आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बीएसएनएल से भी ज्यादा भारती का है 27%, ठीक है। वहीं पे है बीएसएनएल का 22% है, हैच 19%, ठीक है, आइडिया 13%, और इसी तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो इस शेयर को जो है फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सिस्टम को देखा कि क्या क्या कितना इसका शेयर है मार्केट में और किस कंट्रीज में कैसे इसका डेवलपमेंट है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जो जीएसएम सिस्टम में यूज हो रही है उसकी हम बात करें, तो इन जीएसएम सिस्टम टीडीएमए इन कॉम्बिनेशन विथ एफडीएमए, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसएस कॉम्बिनेशन विथ एफडीएमए इज यूज, ठीक है। तो टीडीएमए और एफडीएमए दोनों के फीचर्स को हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जीएसएम सिस्टम में, ताकि हमारा सिस्टम और इफिशियंट बन सके, ठीक है। दस ओनली ए सिंगल मोबाइल इज यूजिंग अ गिवन फ्रीक्वेंसी टाइम स्लॉट कॉम्बिनेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट में जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या एक यूजर जो है इसको यूज कर पा रहा होता है, ठीक है। तो बेसिक यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको मिला कि जीएसएम सिस्टम जो है इंक्लूडेड बोथ टीडीएमए एंड एफडीएमए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग देख चुके हैं एफडीएमए में, कि बेसिकली इसमें होता क्या था कि ईच कॉल इज कैरीड ऑन अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चैनल, ठीक है, प्रोवाइड्स मल्टी यूजर एसेस बाई सेपरेटिंग द यूज्ड फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें क्या था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता था उसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बैंड जो है वो प्रोवाइड करते थे पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी एक स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो ये हमारा एफडीएमए सिस्टम था। और यही हम टीडीएमए सिस्टम की बात करें तो टीडीएमए सिस्टम में क्या होता था कि आपकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती थी, लेकिन जो हमारा टाइम स्लॉट होता था हम उसको जो है वो डिवाइड कर देते थे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। और जो हमारा कम्यूटेटर होता था ट्रांसमीटर और रिसीवर पे, वो बेसिकली क्या होता था पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी एक यूजर से कनेक्ट होता था, फिर नेक्स्ट टाइम साइकिल में दूसरे पे स्विच कर जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा सिस्टम था वो टीडीएमए का वर्क करता था, ठीक है। वहीं दिया है कि ईच फ्रीक्वेंसी चैनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ टाइम स्लॉट्स, ठीक है। चूंकि एफडीएमए सिस्टम यूज हो रहा है उसमें टीडीएमए को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में वो फ्रीक्वेंसी चैनल था उनको हमने छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ यूजर्स भी इंक्रीज हो सके और सिस्टम को और अच्छी तरीके से इफिशियंटली यूज किया जा सके, ठीक है। ईच टाइम स्लॉट कैरीज द डेटा ऑफ अ वॉइस कॉल प्रोवाइड्स मल्टी यूजर एसेस बाई चॉपिंग अप द चैनल इनटू सीक्वेंशियल टाइम स्लाइसेस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को हमने छोटे छोटे टाइम स्लॉट में, जैसे हमें 10 मिनट का टाइम स्लॉट मिला तो हमने क्या कर दिया 10 यूजर के बीच में 1 मिनट के टाइम स्लॉट को जो है वो डिवाइड कर दिया कि 1 मिनट आप ट्रांसमिट करिए 1 मिनट आप करिए। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा चैनल था वो छोटे छोटे जो है टाइम स्लॉट में क्या हुआ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है हमारा जीएसएम सिस्टम स्मार्ट बन गया, एफडीएमए और टीडीएमए के दोनों कॉन्सेप्ट को जो है इसमें समाहित किया गया, ठीक है। अब हम जीएसएम सिस्टम के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर हम लोग बेसिकली इसका बेसिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है 3 यूनिट है एक तरीके से, कि एक आपका मोबाइल सेक्शन हो गया मोबाइल स्टेशन, फिर बेस स्टेशन और उसी का सब सिस्टम है,
फिर नेटवर्क सिस्टम जिसके थ्रू डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा हो, फिर आपका PSTN मतलब जहां पर आप इसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वहां पर ये ट्रांसमिट होगा। अब सबसे पहले अगर मोबाइल स्टेशन की बात करें तो सबसे पहले एक सिम की जरूरत पड़ती है आपको जो आपके मोबाइल सिस्टम में लगी हो, जिसको हम लोगों ने यहाँ से ME से रिप्रेजेंट कर रखा है, मोबाइल इक्विपमेंट। ठीक है, तो सिम को आपने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, मोबाइल इक्विपमेंट में। फिर ये आपका मोबाइल इक्विपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली किसी बेस स्टेशन से क्या है, कनेक्ट है, जिसको हम लोग यहाँ BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन, मतलब ऐसा स्टेशन जहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेस स्टेशन है वहां पे ये हमारा सिस्टम हमेशा कनेक्ट रहता है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर आता है आपका सब सिस्टम, बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि BSCs होते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर, मतलब जो BTS हैं उन BTS को कंट्रोल करने वाली यूनिट हमारा कहां होती है, BSC में, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, फिर इसी में हम लोग आगे बात करें कि इसमें फिर जो नेक्स्ट आपका स्लॉट है, दैट इज नेटवर्क सब सिस्टम। नेटवर्क सब सिस्टम क्या है, जब आपका कॉल आपने कंप्लीट किया, ठीक है, देखिए बेसिक से अगर हम समझें तो सबसे पहले क्या होगा, आप किसी यूजर को कॉल करेंगे तो उस कॉल के लिए आपके पास भी एक जो है पर्टिकुलर सिम होना चाहिए, उसका एक मोबाइल आपका नंबर होना चाहिए उस सिम के मॉड्यूल का। फिर आप कॉल करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसमिट होगी किसके पास, BTS के पास। अब BTS क्या करेगा कि सबसे पहले BSC जो आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर है उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा और सबसे पहले कंफर्म करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि सेम ही हमारे BTS में दूसरा वाला भी मोबाइल सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सिस्टम प्रेजेंट है तो उसको क्या होगा, BSC कंट्रोल करेगा कि आप डायरेक्टली जो है वो जो दूसरा यूजर है उसके साथ कनेक्ट होइए। अगर नहीं है लोकल नेटवर्क में, फिर इसको क्या करेगा, MSC के पास भेजेगा। MSC क्या है, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। ठीक है, अब MSC के पास जो है वो डेटा जाएगा और MSC क्या करेगा, फिर कई सारी आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे आपके पास HLR है, HLR क्या है, होम लोकेशन रजिस्टर। उस पर्टिकुलर लोकेशन में जितने मोबाइल पर्टिकुलर समय पर रजिस्टर्ड होंगे उनका डेटा कहाँ होगा, HLR, उससे मैच करेगा कि क्या ये लोकल मोबाइल सिस्टम है। अगर ऐसा है तो कोई रोमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा और ग्लोबल लोकल लेवल पे MSC के द्वारा सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर वहीं पे है VLR। VLR क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब क्या है कि जैसे हमारा कोई एक मोबाइल सिस्टम नेटवर्क है लोकल लेवल का, उसमें कोई विजिटर मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आके कुछ दिन के लिए आया है तो वो क्या है, एज अ विजिटर रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर नेटवर्क में लोकल लेवल पे। ठीक है, अब क्या है कि जब लोकल लेवल के पे वो रजिस्टर्ड है, अब अगर हमारे कॉलर द्वारा उसको कॉल की जाएगी तो सबसे पहले तो HLR में सर्च होगा, फिर क्या है VLR में सर्च करेगा अगर इसमें नहीं मिलेगा तो, फिर क्या है, फिर आपका आपके पास नेक्स्ट रजिस्टर है EIR। EIR क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, इक्विपमेंट की आइडेंटिटी बेसिकली इसमें जो आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटीज होती हैं, बेसिकली वो उसमें क्या होती है, स्टोर रहती है। ठीक है, फिर वहीं आपका क्या है, AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। यही ऑथराइज करता है आपको कि जो पर्टिकुलर आप यूजर जो आप हैं वो आप सबसे पहले तो इस सिस्टम के ऑथेंटिक यूजर हैं कि नहीं, अगर यस हैं तो आपको कॉल करने की परमिशन प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने जिसको कॉल किया है अगर वो ऑथेंटिक यूजर है, चाहे वो आपका जो है वो HLR में उसका डेटा हो या VLR में डेटा हो, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो सिस्टम पे, अगर ऐसा है तो कॉल करने की परमिशन होगी, अदरवाइज परमिशन क्या होगी, ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, और फिर इस तरीके से फिर आप अपने PSTN सिस्टम, ISDN सिस्टम, PSPDN एंड CSPDN, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में आपकी कॉल जो है क्या होगा, जो है वो सेंड कर दी जाएगी और इस तरीके से आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के साथ। तो ये होल सोल जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये GSM सिस्टम के लिए आपका फॉलो किया जाता है कि कैसे हम किसमें कॉल करते हैं। यही फिर आपका जो है सिस्टम को और स्मार्ट बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट था, जो कहां नेटवर्क लेवल पे यूज हो रहा था। ठीक है, हम अभी नेटवर्क की नहीं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम की कैसे आपस में कॉलिंग होती है,
फिर यहीं पे रोमिंग का कॉन्सेप्ट बताया, जैसे कि कोई यूजर आ गया, फिर यहीं पे हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया हुई, जब एक बेस स्टेशन से हम दूसरे बेस स्टेशन के रेंज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा जो कमांड था वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, बीएससी कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बीएससी से दूसरे बीएससी में आप जब शिफ्ट हो रहेंगे तो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, एमएससी कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब उसकी जो हायर अथॉरिटी है, हायर सेंटर है, वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमारा एक जीएसएम सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। फिर इसमें आगे हम लोग देखें अगर जीएसएम सिस्टम में, तो फीचर आप जीएसएम सिस्टम की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं जिसके कारण ये काफी पॉपुलर हुआ। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। देयर आर टोटल 128 कैरियर्स इन जीएसएम, ठीक है। ईच कैरियर हैज 8 टाइम स्लॉट एंड इफ 7 कैन बी यूज फॉर ट्रैफिक देन अ मैक्सिमम ऑफ द 868, ठीक है, मतलब 124 × 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स 124 थे और नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो 7 है, तो 124 मतलब 868 कॉल्स कैन बी मेड, ठीक है, एक समय में इतनी कॉल हम इससे कर सक रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एनफ एंड हेंस फ्रीक्वेंसीज हैव टू बी रीयूज्ड। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी कॉल चूंकि एनफ नहीं है, हमारे पास 8 टाइम स्लॉट है, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको और इफिशियंटली मैनेज करने का प्रयास करें, और वहीं पर आता है फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो जीएसएम में यूज होता है। द सेम आरएफ कैरियर कैन बी यूज्ड फॉर मेनी कन्वर्सेशंस इन सेवरल डिफरेंट सेल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। उसी सेम एक ही सिंगल आरएफ कैरियर को हम यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल में। इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, क्या कि इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी आप 2 में यूज कर रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी आप जो है किसी और सिस्टम में भी यूज करें, ठीक है। जो यहाँ सेम कलर से दिखाए गए हैं, जैसे 1 है और इधर 1 है, तो ये दोनों हो सकता है सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, सेम आरएफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनकी डिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करने का फार्मूला देखे थे कि कैसे जो है वो के की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं आई और जे के फॉर्मेट में, ताकि सेम फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले जो हमारे सेल्स हो वो जो है कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, ठीक है। द रेडियो कैरियर्स अवेलेबल आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर पैटर्न विच रिपीट्स ओवर द होल कवरेज एरिया, ठीक है। द पैटर्न टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक रिक्वायरमेंट एंड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इसी में रीयूज को और स्मार्ट बनाया गया और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, किस टाइम पे नंबर ऑफ यूजर ज्यादा एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और स्पेक्ट्रम की क्या अवेलेबिलिटी है उस सिस्टम की, उस हिसाब से हम इसको रीयूज को और स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं इन जीएसएम सिस्टम, ठीक है। फिर अगर जीएसएम की हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में क्या है, लेस सिग्नल डेरी प्रोरेशन इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। तो सिस्टम जो अभी तक होता था कि हम लोग जहां पर हाई लेवल्स का बिल्डिंग्स है, हाई हाइट्स का, या पर नंबर ऑफ जैसे एक कॉमन प्लेस पे है, तो वहां पे अभी तक एक्सेस इजी था, और बिल्डिंग के अंदर गए तो एक्सेस इजी नहीं था, तो इन सब चीजों को रिमूव किया गया जो है वो जीएसएम सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेस सिग्नल डिटोरेशन इनसाइड बिल्डिंग्स, ठीक है। टॉक्स टाइम इज जनरली हायर इन जीएसएम फोन ड्यू टू द पल्स नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें टॉक्स टाइम क्या होता है, हायर होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सिम अलाउज यूजर्स टू स्विच नेटवर्क्स एंड हैंडसेट्स एट विल असाइड फ्रॉम अ सब्सिडी लॉ। इसको बेसिकली है क्या कि अभी जो जीएसएम के सिम होते हैं बेसिकली वो क्या है, एक यूजर से दूसरे सेट में, दूसरे सेट से तीसरे सेट में इजिली जो है यूज किए जा सकते हैं। बट अगर हम दूसरे जैसे सीडीएमए की बात करें, तो सीडीएमए का देखिए पहले रिलायंस का फोन आता था, उसमें सिम चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता था, एक पर्टिकुलर जो सिम उस मोबाइल के लिए पर्टिकुलर लगा होता था वो उसी सेट में काम करता था, तो वहां सेट बदलने की आपकी फ्रीडम नहीं होती थी, ठीक है। तो जीएसएम कवर्स वर्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इंटरनेशनल रोमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जीएसएम इज ऑलरेडी यूज्ड वर्ल्ड वाइड विद इन ओवर 450 मिलियन सब्सक्राइबर्स। द मच बिगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ग्लोबली क्रिएट्स अ बेटर नेटवर्क इफेक्ट
फॉर जीएसएम हैंडसेट मेकर्स, ठीक है, कैरीज एंड एंड यूजर्स। क्योंकि जीएसएम अभी तक का जो है सबसे पॉपुलर सिस्टम माना गया है, इसलिए क्या है कि नंबर ऑफ इसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा हैं, तो जो कंपनियां होती हैं वो बेसिकली जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है उसको ज्यादा मैन्युफैक्चर करती हैं, उस पर रिसर्च ज्यादा होती है, उसमें फीचर्स ज्यादा जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास करती हैं, तो इसलिए जीएसएम में कई सारी सर्विसेज हैं जो सब्सक्राइबर इन से जो आपको जो है वो प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक है। और इसमें आपको सेट की कंपेटेबिलिटी भी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि बहुत पॉपुलर सिस्टम है, इसलिए जीएसएम के मोबाइल फोन्स भी जो आते हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे हम बात करते हैं जीएसएम एडवांटेजेस के बाद इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में आपके इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे रिलीज्ड एंड मिस्ड कॉल्स की पॉसिबिलिटी इसमें रहती है, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट है, तो क्या होगा कि इसमें इंटरफेरेंस भी पाया जाएगा, ठीक है, और मिस कॉल भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत एक्यूरेट सिस्टम नहीं है जीएसएम सिस्टम, लेकिन नंबर ऑफ यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, कन्फरिंग टू सेलुलर न्यू कॉस्ट कॉल सुपीरियरिटी डिफिकल्टीज विद ड्रॉप्ड कॉल्स मिस्ड कॉल्स आर शेयर डिफिकल्टीज विद जीएसएम एक्सपर्टाइज, ठीक है। और सेफ्टी का भी इश्यूज हैं इसमें कुछ, जैसे जो है हमारा सिस्टम क्या है कि जब ग्लोबल जीएसएम के थ्रू अगर हम कनेक्टेड हैं आपस में, तो यहाँ पर जो है अगर हैकर्स एक्टिव हैं तो हैकर्स आपके सिस्टम को ट्रेस भी कर सकते हैं और आपकी बात जो है उनके द्वारा जो है सुनी भी जा सकती है, तो इस टाइप की जो है थोड़े से फीचर्स इसमें जो है कम है, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है सीडीएमए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने जीएसएम हो सकता है आप में से सभी लोग यूज करते हो, सीडीएमए बहुत कम ही लोग यूज किए हो, लेकिन ये भी एक सिस्टम है और कुछ इसके भी फीचर्स हैं, जबकि जीएसएम इतना पॉपुलर सिस्टम है उसके बावजूद सीडीएमए के अपने कुछ फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या है सीडीएमए टेक्नोलॉजी। CDMA is stand for code division multiple access. CDMA is a channel access method, ठीक है, used by various radio communication technologies. CDMA is an example of multiple access, which is where several transmitter can send information simultaneously over a single communication channel. Basically, हमने इसका basic जो पढ़ा था तो हमने देखा था एक समय में कई सारे यूजर उस सिस्टम को क्या है एसेस कर पा रहे हैं, बट उनका जो कोड है हर यूजर का अपनी जो कोडिंग है यूनिफॉर्म है, ताकि आपस में उनकी मिक्सिंग ना होने पाए और ऐसे केसेस में आप देखेंगे इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मल्टीपल एसेस इन सीडीएमए की बात करें तो ईच यूजर इज असाइंड अ यूनिक पीएन कोड, ठीक है, एक पीएन कोड होता है जो हर यूजर को पर्टिकुलर असाइन होता है और उसी के हिसाब से उसका जो मैसेज होता है जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल उसके अपने पर्टिकुलर जो है वो कोडिंग फॉर्मेट होगा और उसी में उसका जो है मैसेज ट्रांसमिट होगा। ईच यूजर ट्रांसमिट इट इंफॉर्मेशन बाई स्प्रेडिंग विथ यूनिक कोड, ठीक है, और डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज यूज, ठीक है। यूजर्स आर सेपरेटेड बाई कोड नॉट बाई टाइम स्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी स्लॉट, ठीक है, तो टाइम स्लॉट और फ्रीक्वेंसी स्लॉट का डिवीजन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसमें कोड के द्वारा यूजर जो है आपस में क्या है आइसोलेटेड है, इसलिए ये सिस्टम क्या है एज कम्पेयर टू अगर जीएसएम की बात करें तो लिटिल बिट ये जो है सिक्योर भी है, और दूसरा क्या है कि इसमें इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। सीडीएमए के ही जो है अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मान लीजिए दो यूजर आपके पास हैं, अगर इनका जो हमारा इंफॉर्मेशन है जो मैसेज है वो डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग के फॉर्मेट में होंगे और एक साथ अगर ये कोड ट्रांसमिट भी किए जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे और मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा और इंटरफेरेंस नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है आइसोलेट होकर ट्रांसमिट हो रहे हैं और एक ही जो है स्पेक्ट्रम पे एक साथ जो है ये ट्रांसमिट किए जा सकते हैं
और रिसीवर एंड पे जो है वो पर्टिकुलर, मतलब जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जैसे ब्लू और ग्रीन सिग्नल हमने भेजा है, और मान लीजिए ब्लू और ग्रीन सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और रिसीवर पे क्या है, सिर्फ हमको ग्रीन वाला सिग्नल क्या करना था, ट्रेस करना था, तो हम एक पर्टिकुलर कोड को क्या करेंगे, डिकोड कर लेंगे, बाकी कोड को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरीके से एक्यूरेटली हमने किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर कोड के रिगार्डिंग जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको हम रिट्रेस कर पाएंगे, और इसमें जो हमारा नॉइजेस या हम बोले इंटरफेरेंस की घटना है वो कम से कम है। ठीक है, तो फीचर्स आप CDMA की बात करें तो आप इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी और यूजर का जो इसमें ग्राफ प्लॉट है, इसमें क्या है कि एक ही समय में 1, 2, 3, 4 कई सारे कोड्स एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग के डिवीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की CDMA की बात करें तो यूजर शेयर सेम बैंडविड्थ, यूजर एक्सिस शोज एक्युमुलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल यूजर्स। ठीक है, तो एक समय में ही क्या है कि मेनी नंबर ऑफ यूजर अपने सिग्नल को भेज पाएंगे, इसलिए उसी यूजर्स का जो है वो अगर दो यूजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल एक साथ भेज रहे हैं तो देखिए दोनों के सिग्नल एक ही साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं चैनल पे, बट रिसीवर साइड पे दोनों पे फिर क्या हो गए, दोनों आपस में आइसोलेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग के माध्यम से भेजा था, इसलिए ये आपस में कहीं मिक्सअप नहीं हुए और रिसीवर पे ये एक्यूरेटली क्या हो गए, रिसीव कर लिए गए और इनको वहीं से रिट्रीव किया गया। ठीक है, इसके CDMA की आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है जैसा हमने GSM में देखा था, सेम आपका सिम और मोबाइल आइडेंटिटी जो मॉड्यूल है वो है, फिर आपका BTS है, फिर वही BSC, इनकी वर्किंग लगभग सेम है जैसे आपका जो है वो GSM सिस्टम का था। बस यहाँ पर दिक्कत डिफरेंस क्या है कि कोडिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज है, जो हम उसमें GSM में भेज रहे थे बेसिकली वहां पर मैसेज में क्या था कि FDMA और TDMA का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे, और हम CDMA की बात करते हैं तो CDMA में बेसिकली क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग के फॉर्मेट में यहाँ पर अपने मैसेज को भेज रहे हैं। ठीक है, तो लगभग और सब इसका आर्किटेक्चर GSM के टाइप का ही है, बस इसमें कोडिंग के फॉर्मेट में जो है दोनों के जो मैसेज इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, ये भी आपका इसका रिसीवर साइड का जो है वो डायग्राम है कि बेस स्टेशन से फिर जो नेटवर्क सब सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, LHR है, VLR है, EIR है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेंटर है। ठीक है, तो इन सब का जो हमने GSM में देखा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब CDMA की अगर हम टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो CDMA जो आपका सिस्टम है वो CDMA 1 जो है वो IS-95 है, IS-95B आया, फिर GSTD-008 सिस्टम आया, और ये सारे सिस्टम कैसे किस पे काम कर रहे थे, नैरो बैंड पे। ठीक है, वही CDMA का जो CDMA 2000 मॉडल आया वो आपका वाइड बैंड पे काम करता है। तो CDMA के क्लासिफिकेशंस में भी CDMA 1 एंड CDMA 2000 हुए, और CDMA 1 जो है आपका IS-95, IS-95B एंड GSTD-008। ठीक है, ये नैरो बैंड के हैं और CDMA 2000 वाइड बैंड का है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वहीं आगे हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ CDMA की, तो इंक्रीज सेलुलर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन, कई सारे यूजर एक साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी मीनिंग दैट द कैरियर कैन सर्व मोर सब्सक्राइबर, एक समय में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर यूज सकते हैं विद एक्यूरेसी। ठीक है, लो पावर रिक्वायरमेंट एंड लिटिल सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन नीडेड बाय ऑपरेटर्स। ठीक है, एक्सटेंडेड रीच बेनिफिशियल टू रूरल यूजर्स सिचुएटेड फार फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, चूंकि इसमें पावर रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम है, इसलिए क्या है कि बहुत दूर तक जो हमारे फॉर यूजर्स हैं उन तक भी इसकी पहुंच है, और वो भी बेनिफिशियल है इस सिस्टम से, और कम्युनिकेशन का जो CDMA तरीका है वो फॉर यूजर्स के लिए वो बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू द GSM सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है आपको कि फॉर कम्युनिकेशन के लिए विच सिस्टम इज बेटर, CDMA या GSM, तो आप CDMA का ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ड्यू टू इट्स प्रोप्रायटरी नेचर, ठीक है, ऑल CDMA
flaws are not known to engineering community. ठीक है, CDMA is relatively not popular and the network is not as mature as GSM. ठीक है, CDMA cannot offer international roaming, a large GSM advantages. ठीक है, अब देखिए जो disadvantages की बात करूं तो चूंकि देखिए जब हमारा मोबाइल सिस्टम बेसिकली आया मार्केट में उसमें यूरोपियन कंट्रीज की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, उन्होंने चूंकि GSM को डेवलप किया, अब उस समय क्या है कि GSM सिस्टम में रिसर्च बहुत हुई और रिसर्च बहुत हुई तो क्या हुआ कि CDMA हमारा सिस्टम मोर सिक्योर होते हुए भी, कई सारी आपके एडवांटेजेस होते हुए भी GSM से क्या हुआ पिछड़ गया. क्यों? क्योंकि GSM में नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने की क्षमता ज्यादा थी और उसके कुछ अपने फीचर्स थे. देखिए सिक्योरिटी की बात करें तो CDMA सिस्टम मोर सिक्योर देन GSM सिस्टम, बट क्या है कि जिस सिस्टम में नंबर ऑफ रिसर्च नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हुए वो सिस्टम आपका पॉपुलर हो गया. ठीक है, तो इसलिए ये आपके डिसएडवांटेजेस थे CDMA के. अब यही हम बात करें आगे जो है कंपैरिजन ऑफ CDMA एंड GSM में, तो दोनों का अगर कंपैरिजन देखें तो इन TDMA बैंड विथ अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन इज स्मॉल विच लीड्स टू कंप्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, वेयर एन इन CDMA सिस्टम इंटायर स्पेक्ट्रम इज यूज्ड विच इनहेंसेस वॉइस क्वालिटी. ठीक है, तो वॉइस क्वालिटी और सिक्योरिटी किसमें CDMA में ज्यादा है एज कंपेयर टू GSM. इन TDMA FDMA मींस GSM सिस्टम सेल डिजाइन रिक्वायर्स मोर फ्रीक्वेंसी प्लानिंग विच इज टफ जॉब, वेयर एज इन CDMA फ्रीक्वेंसी प्लानिंग इज मिनिमम. ठीक है, तो CDMA की जो प्लानिंग है वो भी इजी है एज कंपेयर टू द GSM सिस्टम. ठीक है, फिर TDMA इज बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, एंड CDMA इज पावर लिमिटेड स्पेक्ट्रम. दोनों की ये अपनी अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं कि TDMA जो कि GSM में यूज हो रहा है उसमें क्या है बैंड लिमिटेड सिस्टम है. ठीक है, और CDMA क्या है पावर लिमिटेड सिस्टम है. ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है. अब यही आपके पास कंपैरिजन टेबल है आपका GSM और CDMA टेक्नोलॉजी की. तो इसमें टाइप ऑफ स्टोरेज यूज की बात करूं तो बेसिकली क्या है कि GSM में हम लोग सिम यूज करते हैं, सिम कार्ड लगाना पड़ता है और बेसिकली इसमें क्या है इंटरनल मेमोरी में आपका जो है वो सिस्टम की जो मेमोरी होती है मोबाइल की उसी में सब सारी इंफॉर्मेशन रहती है सिक्योरिटी और आपकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो है सिस्टम की. नेटवर्क सर्विसेज में क्या है डिक्टेटेड बाई यूजर सिम कार्ड और यहाँ क्या है डिक्टेटेड बाई यूजर डिवाइस है. ठीक है, इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो GSM में इजियर है. क्यों? क्योंकि यूरोप में डेवलप हुआ और नंबर ऑफ रिसर्चेज ज्यादा हुई, बट CDMA में क्या है ये डिफिकल्ट है चूंकि इतना पॉपुलर नहीं हो पाया. ठीक है, फिर वही बात करें फ्रीक्वेंसी बैंड की तो फ्रीक्वेंसी बैंड इसका क्या है मल्टीपल 850 900 1800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज है. और यहीं पे क्या है CDMA की बात करूं तो इसमें सिंगल 850 मेगाहर्ट्ज पे जो है सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है. ठीक है, डेटा ट्रांसफर में इसमें जो है GPRS फैसिलिटी है, 3G है, 4G है, LTE नेटवर्क है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका EVDO 3G 4G एंड LTE नेटवर्क. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड दोनों के याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें मल्टीपल आपके फ्रीक्वेंसी बैंड के ऑप्शन है और यहाँ आपका सिर्फ 850 का है, यहाँ 850 के साथ 900 1800 एंड 1900 की भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों के डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में भी चर्चा करी. ठीक है, तो बेसिक कंक्लूजन क्या निकला कि CDMA सेलुलर सिस्टम इज डीम्ड सुपीरियर टू द FDMA एंड TDMA सेलुलर सिस्टम फॉर द टाइम बीइंग, देयरफॉर CDMA टेक्निक्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक है, CDMA इज बेस्ड ऑन द स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक विच हैज बीन यूज्ड एट मिलिट्री यूजर्स. ठीक है, चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CDMA एज कम्पेयर टू GSM बेटर है इसलिए मिलिट्री यूजेस के लिए हम CDMA प्रिफर करते हैं. लेकिन चूंकि जो GSM हमारा सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर है, उसमें ऐसे कई सारी फैसिलिटी है जिसके कारण नंबर ऑफ यूजर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, इसलिए GSM हमारा मार्केट प्लेस की बात करें तो वहां पर काफी पॉपुलर हुआ है. और आप अगर दोनों के मार्केट शेयर की बात करें दोनों टेक्नोलॉजी की तो आप देखिए कि करीब जो है
वो 297.26 मिलियन मतलब 76% आपका यूजर जो है वो फोन जो यूज करने वाले लोग हैं वो जीएसएम यूज करते हैं और 94.5 मिलियन मतलब 24% ओनली जो है आपका वो सीडीएमए सिस्टम यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली दोनों के कंपैरिजन और दोनों के कॉन्सेप्ट जीएसएम और सीडीएमए टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।